नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तबरेज सिद्दीकी। सबसे पहले हेडलाइन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के रैन बसरों का निरीक्षण किया। गोरखपुर महोत्सव के अंतर्गत आयोजित हुआ मंथन कार्यक्रम, वक्ताओं ने रखे अपने विचार। गोरखपुर महोत्सव के अंतर्गत आयोजित हुई विज्ञान प्रदर्शनी, विभिन्न मॉडलों के माध्यम से दिखा युवा वैज्ञानिकों का हुनर। दूसरे दिन भी सजा रहा गोरखपुर महोत्सव का स्टेज, मनमोहक गानों ने दर्शकों को खूब लुभाया। भारत निर्वाचन आयोग ने गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन के कारण मतदाता विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण को किया प्रीपोन, 21 फरवरी की जगह 9 फरवरी किया। भारत स्काउट एवं गाइडों ने स्वामी विवेकानंद जयंती को मनाया युवा दिवस के रूप में। गोरखपुर महोत्सव में उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग के सौजन्य से लोग उठा रहे हैं पैरा मोटर ग्लाइडिंग का लुत्फ। रीजनल स्टेडियम में डीआईजी नीलाब्जा चौधरी ने विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों को किया पुरस्कृत। गोरखपुर महोत्सव के समापन कार्यक्रम में हुआ परिवर्तन, अब विश्वविद्यालय के क्रीड़ा संकुल में 3 बजे से होगा समापन समारोह। स्वामी विवेकानंद जयंती अवसर पर भारतीय नारी सेना के सदस्यों ने निकाली जागरूकता रैली। गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे सूबे के कई कैबिनेट मंत्री। गोरखपुर न्यूज ने मनोरंजन कार्यक्रमों का डिफॉल्ट लाइव कर अपने दर्शकों को घर बैठे लुत्फ उठाने का किया इंतजाम। और 12 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होने और खिचड़ी मेले के उद्घाटन करने के लिए गोरखपुर पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ठंड को देखते हुए रैन बसरों का अचानक निरीक्षण किया और लोगों का हालचाल पूछा। गोरखपुर महोत्सव के अंतर्गत विवेकानंद के जन्मदिन पर एक मंथन कार्यक्रम का आयोजन गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला, सहजनवा के विधायक शीतल पांडे, इटवा विधायक सतीश द्विवेदी, महापौर सीताराम जायसवाल, पूर्व महापौर सत्या पांडे एवं अंजू चौधरी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वी के सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। पत्रकार उमेश शुक्ल तथा हर्षवर्धन शाही ने भविष्य में भी निष्पक्ष पत्रकारिता एवं समाज का आईना दिखाते रहने का आश्वासन दिया। हिंदी संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष सदानंद शाही ने हिंदी और बोली के विकास, कुलपति प्रोफेसर रजनीकांत ने शिक्षा के विस्तार, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह ने संस्कार युक्त शिक्षा तथा प्रोफेसर बी के सिंह ने परीक्षा में ग्रेड प्रणाली लागू करने का पर बल दिया। पूर्व न्यायमूर्ति के डी शाही ने गोरखपुर में न्यायपालिका एवं प्रशासनिक क्षमताओं पर प्रकाश डाला। मंथन कार्यक्रम का संचालन इसके संयोजक डॉक्टर प्रदीप राव ने किया। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। इसमें कमिश्नर अनिल कुमार, प्रोफेसर विनोद सिंह, प्रोफेसर रविशंकर सिंह, डॉक्टर सुधाकर लाल श्रीवास्तव, डॉक्टर जे एन पांडे, डॉक्टर आर पी पटेल, प्रोफेसर अजय शुक्ल, प्रोफेसर हर्ष सिन्हा, प्रोफेसर शिखा सिंह, डॉक्टर दिव्या रानी सिंह, रजिस्ट्रार शत्रुघ्न वैश्य एवं वरिष्ठ नागरिक तथा छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। इस मंथन कार्यक्रम में मुख्य रूप से गोरखपुर से जुड़ी समस्याएं और इसके निराकरण के विषय पर चर्चा आयोजित की गई, जिस पर वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। शीतल पांडे जी ने दो बड़ी बातें रखी हैं, वो करेंगे तो शीतल आएंगे। इस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय युवाओं के आकांक्षाओं का गोरखपुर, अगर वो दो तीन चार वाक्यों में उन्होंने कोई सपना देखा हो गोरखपुर के बारे में, तो दो तीन चार वाक्य बताएं वो कैसा गोरखपुर चाहते हैं। लेकिन मेरे यहाँ तो लोगों ने सपना देखना भी छोड़ दिया, दिमाग में बैठने से कुछ नहीं होता। और मैं आपके सामने आज ये बताना चाहता हूँ, पहली बार यही गोरखपुर दर्शन दीता आपसे ली जा रहा हूँ, जो किया मैंने इस बात का विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ने की कोशिश की है। अब मैंने मुझे वहां उठाए
आजादी के बच्चों बाद शिक्षण संस्थान नहीं है, रोजगार के साधन नहीं है, नौजवानों को स्वरोजगार के लिए आगे बढ़ने के लिए शिक्षण प्रशिक्षण के केंद्र नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है। तो मैं वहां से लेकर यहां तक को जोड़ते हुए जो मुख्य चुनौती मुझे समझ आती है, या यूं कह लीजिए कि आने वाले एक वर्ष का या पूरे कार्यकाल का जो सपना है, जिस तरह से एम्स का सपना साकार होने जा रहा है गोरखपुर में, अभी पूरे गोरखपुर क्षेत्र गोरखपुर परिक्षेत्र में उसी एम्स के सहारे स्वास्थ्य सुविधाओं के तार उड़ने की जरूरत है। हमारा क्षेत्र स्वास्थ्य के मामले में बहुत पीछे है। मैंने अपने इंदौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को जिला स्तरीय अस्पताल बनाने का निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी को करते हुए यही कहा है कि हर जिले में इस तरह की सुविधाएं बनाई जाए। दूसरे गोरखपुर विश्वविद्यालय है ही, मैं सीधा लौटा के इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाए जाने की मांग को अभियान को या उस सपने से अपने आप को जोड़ता हूँ। विधानसभा में जरूरी बात उठेगी, इसी प्रकार हमारे जिले में एक नया विश्वविद्यालय खुला है, माननीय कुलपति जी यहाँ पंचायत के सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, वह अभी सैसव अवस्था में है, वह विकसित हो, वह उस पूरे दूसरे क्षेत्र के नौजवानों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करे, वह मेरे भी सपने में शामिल है। क्योंकि इन चीजों के बिना अभी तो एक समस्या होती है कि लोग शिक्षित हैं प्रशिक्षित हैं रोजगार नहीं है, लेकिन हमको तो लगता है कि अभी हमारे युवा जो है उस रूप में स्किल ही नहीं है, उनके पास वो अस्त्र ही नहीं है कि जिसके कारण उनको आज की बदलती परिस्थिति में रोजगार मिल सके। तो उस रूप में युवाओं को खड़ा किया जाए, कौशल विकास मिशन जो केंद्र का है उसको प्रदेश सरकार के सहयोग से और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी का सपना भी है कि कौशल विकास मिशन को और तेजी से आगे बढ़ाए। उससे उससे आगे की जिम्मेदारी हम लोग की है, हम भी अगर आज सी की बजाय करेंगे तो उससे जुड़े जितने लोग हैं उनको अपेक्षाएं बहुत सी हैं। खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि 2018 के अंत तक एम्स की ओपीडी शुरू हो जाए। आज जो परिदृश्य है वो गोरखपुर के लिए कह सकते हैं कि एक खुशनुमा है। एम्स आ जाए, हम सब कहेंगे कि गोरखपुर के लोग ये कहें कि हाँ हमारे अलग अलग की सड़कें ठीक हैं, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले की सड़कें ठीक हैं, जल जमाव नहीं होता है, सीताराम के लिए वादा किया पूरा समय से हो जाएगा, हम सीटी में जाके बताते रहेंगे पूछा जाएगा। गोरखपुर महोत्सव के अंतर्गत गोरखपुर विश्वविद्यालय के साइंस फैकल्टी में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस विज्ञान प्रदर्शनी में गोरखपुर के विद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। इस विज्ञान प्रदर्शनी में प्रतिभाग कर रहे युवा वैज्ञानिकों ने अपने अन्वेषी मस्तिष्क के माध्यम से कुछ नए नए चीज़ों को नए तरीकों से मॉडल के माध्यम से रखा। जहाँ एक और यहाँ पर सेंसर के माध्यम से वीडियो गेम बनाए गए, वहीं दूसरी ओर वाटर मैनेजमेंट और पृथ्वी संरक्षण के मॉडल भी तैयार किए गए। जो बनना अपने कैद होकर ब्लैक आउट कराओ, जो बनना अपने
कमांड जा रहे हैं। हाथ करिए तो एक बार फिर से बच्चों को जोर से ताली बजा के उनका स्वागत करिए। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये भी बेस्ट अवार्ड मिला है आपके प्रदर्शन के लिए। के दूसरे दिन भी स्टेज बाल कलाकारों से सजा रहा। शुक्रवार को भुवन स्कूल के छात्रों ने गायन के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन किया, जिसमें महानगर के अलग अलग स्कूलों के बच्चे शामिल थे। इस इंटर स्कूल थिंकिंग कंपटीशन में भाग कर रहे भक्तों ने उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया। Thank you.
जनपद गोरखपुर की गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के संभावित उप निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए उक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों यथा 320 कैंपियरगंज, 321 पिपराइच, 322 गोरखपुर शहर, 323 गोरखपुर ग्रामीण और 324 सहजनवा के निर्वाचक नामावलियों की अर्हता तिथि 1 जनवरी 2018 के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत अंतिम प्रकाशन 21 फरवरी 2018 को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अब 9 फरवरी 2018 कर दी गई है। दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 26 दिसंबर 2017 से 31 जनवरी 2018 तक है, जिसमें आयोग द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। ये जानकारी जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव रतौला ने दी है। स्वामी विवेकानंद जयंती को स्काउट एवं गाइड युवा दिवस के रूप में मना रहा है। इसके तहत उत्तर प्रदेश भारत स्काउट एवं गाइड की जिला इकाई द्वारा शुक्रवार को सिविल लाइन स्थित अयोध्या दास स्काउट कुटीर से जन जागरूकता रैली निकाली गई। ये रैली स्काउट कुटीर से निकलकर अंबेडकर चौराहा, शास्त्री चौराहा, कचहरी चौराहा होते हुए वापस स्काउट कुटीर पहुंचकर समाप्त हो गई। इस अवसर पर अजय कुमार सिंह, रंजना राय, मंजू मिश्रा, राकेश कुमार सैनी, इशरत सिद्दीकी सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। गोरखपुर महोत्सव के दूसरे दिन तारामंडल स्थित चंपा देवी पार्क में पैरा मोटर ग्लाइडिंग भी लोगों के मनोरंजन का भरपूर साधन बना रहा। चंपा देवी पार्क में चल रही पैरा मोटर ग्लाइडिंग की सेवाएं 1300 रुपये में पर्यटन विभाग के अधिकारियों के द्वारा एयरलिफ्ट कराया जा रहा है, जिसमें लोग पैरा मोटरिंग का लुफ्त उठा रहे हैं। करीब 5 मिनट तक लोग हवा में लुफ्त उठाते रहे। पर्यटन विभाग लखनऊ के वरिष्ठ प्रबंधक अक्षय नगर ने गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कहा कि गोरखपुर महोत्सव में भरपूर मनोरंजन उपलब्ध कराने के लिए मात्र 1300 में पैरा मोटर ग्लाइडिंग कराई जा रही है, जिसका लोग भरपूर लुफ्त उठा रहे हैं। Thank you.
90 रुपये हम लोग ले रहे हैं और बहुत रुझान मिल रहा है हम लोगों को। गोरखपुर वाले काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, बड़े भी आ रहे हैं, तो अच्छा नज़र मिल रहा है हम लोग को। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग लखनऊ से आए, उत्तर प्रदेश पर्यटन इसको कर रहा है जी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते, जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। छिहत्तर सालों से परंपरा विश्वास की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गोरखपुर महोत्सव के तहत रीजनल स्टेडियम में विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जिसका पुरस्कार वितरण समारोह शुक्रवार को क्षेत्रीय क्रीड़ांगन में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में DIG नीलावजा चौधरी, उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय के निदेशक RP सिंह, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अरुणेंद्र पांडे सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि ने विभिन्न खेल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले विजयी प्रतिभागियों को नगद राशि और प्रमाण पत्र भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर अतिथियों ने विजय प्रतिभागियों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। जो अपने में बहुत ही अच्छी टाइमिंग है और बहुत नजदीक समय में सेकेंड पोजिशन, बिल्कुल इसके साथ साथ नहीं है, लगातार नहीं रही चल रहा है और 54 सेकेंड बहुत बढ़िया टाइमिंग। और आप इस टाइमिंग है 1 घंटा 3 मिनट और 4 मिनट। उधर देखो, उधर क्या करते हो? आर्मी में हूँ। बहुत बढ़िया। काजल पासवान पढ़ती हो? कहाँ पढ़ती हो? मैडम तो मैडम सिक्स क्लास की है। बाप रे बाप, मीडिया में जरूरत ये है। क्लास सिक्स की है। कौन से स्कूल के? कौन से बता, स्कूल बताओ बेटा, कौन सा पढ़ती हो? क्या करना है इसके, इसका प्राइस में क्या करने जाओगे? गोरखपुर महोत्सव के समापन कार्यक्रम में प्रशासन द्वारा किसी कारणवश कुछ परिवर्तन किया गया है। गोरखपुर महोत्सव के अध्यक्ष अनिल कुमार व कमिश्नर ने बताया कि 13 जनवरी को गोरखपुर महोत्सव का समापन कार्यक्रम 3 बजे से गोरखपुर विश्वविद्यालय के क्रीड़ा संकुल में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में संपन्न होगा। पहले समापन कार्यक्रम गोरखनाथ मंदिर के स्मृति भवन के सभागार में होना था। भारतीय नारी सेना द्वारा शुक्रवार को स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर संस्थान के सदस्यों ने छात्र संघ चौराहा स्थित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा की साफ सफाई करने के बाद माल्यार्पण और पुष्प अर्पित किया, जिसके बाद संस्थान के सदस्यों ने प्रतिमा स्थल से ही जागरूकता रैली निकाली, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए विश्वविद्यालय गेट पहुँचकर समाप्त हो गई।
रैली के दौरान संस्थान के सदस्यों ने लोगों को स्लोगन के माध्यम से स्वामी विवेकानंद के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर भारतीय सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष कालिंदी निर्मल बच्चन, रणजीत बच्चन, विनय कुमार, रजत श्रीवास्तव, विजय कुमार सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए रणजीत बच्चन ने कहा, स्वामी विवेकानंद के जयंती को हमारी संगठन जो है भारतीय सोशल वेलफेयर फाउंडेशन और भारतीय नारी सेना और हमारे तमाम समाज सेवी लोग मिलकर के स्वामी विवेकानंद के विचारों के और ताकतवर रूप से नौजवानों में जाए, क्योंकि युवा प्रेरणा स्रोत थे और इनका मैसेज आज के नौजवानों में जाना चाहिए। उसी के उद्देश्य से लेकर के हम लोग जो है यहाँ पर विवेकानंद की जयंती मना रहे हैं। धुले हैं, पोछे हैं, पोछने के बाद मल्लापड़ किया गया है और इसके बाद यहाँ से यूनिवर्सिटी तक हम लोग पैदल मार्च करेंगे और लोगों को ये बताना चाहते हैं कि स्वामी विवेकानंद एक ऐसे देश के संत थे जो दुनिया में हिंदू धर्म और सनातन धर्म का स्थापना किए और वो कहते थे कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, तो भी उनको लोग जो है सांप्रदायिक कहा करते थे। और आज के समय में कोई अगर कह दे कि हम गर्व से कहते हिंदू हैं तो लोग कहने लगते हैं कि सांप्रदायिक है। तो हम बस ये मैसेज, विवेकानंद जी का मैसेज आम जनमानस में और हिंदू और सभी समाज के लोगों में फैलाना चाहते हैं कि विवेकानंद एक सशक्त आदमी थे, देश को, इस भारत की संस्कृति और सभ्यता को दुनिया में पहुंचाने का काम किया। पशुधन, मत्स्य, लघु सिंचाई विभाग मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, आवास एवं शहरी नियोजन तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग राज्य मंत्री सुरेश पासी, जल स्मृति, भूमि विकास एवं जल संसाधन, प्रति भूमि विकास, वन एवं पर्यावरण, जंतु उद्यान, उद्यान एवं सहकारिता विभाग स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी, श्रम एवं सेवा योजन विभाग राज्य मंत्री मनोहर लाल मन्नू कोरी, महिला कल्याण, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण एवं पर्यटन मंत्री प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान विभाग मंत्री सूर्य प्रताप शाही 13 जनवरी को गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे। गोरखपुर महोत्सव के तहत विश्वविद्यालय परिसर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत आज शाम 7 बजे से 8:30 तक भोजपुरी नाइट का आयोजन होगा, जिसमें लखनऊ सोन चिरैया ग्रुप के तहत गायिका मालिनी अवस्थी और भोजपुरी नाइट में अभिनेता रवि किशन अपने कला से लोगों का मनोरंजन करेंगे। दर्शक इस कार्यक्रम का डिफॉल्ट लाइव कार्यक्रम समाप्त होने के तत्काल बाद घर बैठे गोरखपुर न्यूज चैनल पर देख सकते हैं। आपको बताते चलें कि महोत्सव के तहत ही बीते दिन गुरुवार की शाम बॉलीवुड कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसके तहत मुंबई से आए गायक कलाकार शंकर महादेवन ने अपने मीठे सुर से लोगों को झूमने नाचने पर मजबूर कर दिया था। 12 जनवरी को साय प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होने और खिचड़ी मेले के उद्घाटन करने के लिए गोरखपुर आ गए हैं। मुख्यमंत्री 13, 14 और 15 जनवरी को गोरखपुर में रहेंगे। जाते जाते एक नज़र हेडलाइन पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के रैन बसरों का निरीक्षण किया। गोरखपुर महोत्सव के अंतर्गत आयोजित हुआ मंथन कार्यक्रम, वक्ताओं ने रखे अपने विचार। गोरखपुर महोत्सव के अंतर्गत आयोजित हुई विज्ञान प्रदर्शनी, विभिन्न मॉडलों के माध्यम से दिखा युवा वैज्ञानिकों का हुनर। दूसरे दिन भी सजा रहा गोरखपुर महोत्सव का स्टेज, मनमोहक गानों ने दर्शकों को खूब लुभाया। भारत निर्वाचन आयोग ने गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन के कारण मतदाता विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण को किया प्रीपोन, 21 फरवरी की जगह 9 फरवरी किया। भारत स्काउट एवं गाइडों ने स्वामी विवेकानंद जयंती को मनाया युवा दिवस के रूप में। गोरखपुर महोत्सव में उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग के सौजन्य से लोग उठा रहे हैं पैरा मोटर ग्लाइडिंग का लुत्फ। रीजनल स्टेडियम में DIG नीलाब्जा चौधरी ने विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों को किया पुरस्कृत।
गोरखपुर महोत्सव के समापन कार्यक्रम में हुआ परिवर्तन, अब विश्वविद्यालय के क्रीड़ा संकुल में 3 बजे से होगा समापन समारोह। स्वामी विवेकानंद जयंती अवसर पर भारतीय नारी सेना के सदस्यों ने निकाली जागरूकता रैली। गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे सूबे के कई कैबिनेट मंत्री। गोरखपुर न्यूज ने मनोरंजन कार्यक्रमों का डिफॉल्ट लाइव कर अपने दर्शकों को घर बैठे लुत्फ उठाने का किया इंतजाम। और 12 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होने और खिचड़ी मेले के उद्घाटन करने के लिए गोरखपुर पहुंचे। अब आप मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।